नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि अब शिक्षा मित्रों को अयोग्य नहीं कह सकेगी योगी सरकार, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सब कुछ प्रॉपरली आगे वीडियो में आप सभी के साथ कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। दरअसल ये बहराइच की खबर है कि डीएम साहब जरा बीबीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय पर भी अपनी नजर डालें, इनायत कर लें। बताते चलें कि विकास खंड जरवल अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर कार्यरत प्रधानाध्यापिका अंजुला कभी भी विद्यालय में समय से नहीं आती है, जैसे कि ये आम चर्चा है। लेकिन यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया, यानी कि निरीक्षण जब यहाँ पर किया गया, तो 3 यहाँ पर अध्यापक हैं, जहाँ पर प्रधानाध्यापिका, सहायक अध्यापिका और एक शिक्षा मित्र यहाँ पर कार्यरत है। जब यहाँ पर निरीक्षण किया गया तो ना तो प्रधानाध्यापिका और ना ही यहाँ पर सहायक अध्यापिका उपस्थित मिले तो केवल और केवल शिक्षा मित्र 3 कक्षाओं की जिम्मेदारी स्वयं अकेले अपने कंधों पर संभाल रहे थे। 3 कक्षाओं का शिक्षण स्वयं ही कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर कार्यवाहियां कुछ हुई होंगी, लेकिन कुछ आप सभी के यहाँ पर इंडिकेशन में नहीं दिखी। फिलहाल अगर ये बात शिक्षा मित्र की होती तो इसके ऊपर आपको एक जोरदार कार्यवाही, एक कड़ी कार्यवाही देखने को मिलती। फिलहाल साथियों, यहाँ से ही अगर देखा जाए, केवल तत्परता के ऊपर देखा जाए, तब भी सरकार शिक्षा मित्रों को अयोग्य नहीं कह सकती। लेकिन सरकार कभी भी शिक्षा मित्रों को अयोग्य करार देने से ना चूकी है और ना ही चूकेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।